क्या आपने कभी विक्रम और बेताल की कहानियां सुनी हुई है? विक्रम वेदा ऐसे ही कहानी पे निर्धारित है। यहाँ पर सैफ और ऋतिक के साथ में सबसे पहले फिल्म ऋतिक रोशन जैसे सुपर 30 में दिखाए गए थे, वैसे ही उनका लुक यहाँ पर भी दिखाया जाता है। पर जो एक्शन होता है और ऋतिक रोशन का, वो अग्निपथ जैसा। सैफ अली खान जैसे सेक्रेड गेम्स में दिखाए जाते हैं पुलिस वाले की वर्दी में, वैसा ही सेम उनका किरदार विक्रम वेदा में। राधिका आप्टे इस फिल्म में सैफ अली खान की बीवी का रोल किरदार कर रही। अगर बात की जाए पूरी फिल्म में एक्शन और इमोशन से भरी पड़ी है। फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा एक्शन से भरा पड़ा है, हालांकि थोड़ा इमोशंस और थोड़ी कहानियां भी आपको वहां पे मिल जाएगी। सेकेंड हाफ पूरा का पूरा एक्शन से भरा पड़ा है। लास्ट का एक्शन सीन हम लोगों को थोड़ा निराश कर देता है, क्योंकि वो बता देता है कि हम बॉलीवुड से है भाई, बॉलीवुड का हम लोगों को मसाला मिक्स एक्शन में चाहिए होगा। इस मूवी को मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। सबसे पहले ऋतिक और सैफ अली खान की एक्टिंग लाजवाब। दूसरा कि मिस्ट्री जो है वो एंड तक बनाए रखने के लिए। तीसरा बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, जो कि आपको पूरी फिल्म में पकड़ कर रखेगा। नेगेटिव्स की बात की जाए तो इस फिल्म में अल्कोहल या सॉन्ग की कोई भी जरूरत नहीं थी। हालांकि यहाँ पे कोई भी सॉन्ग की जरूरत नहीं थी, पर एकाध सॉन्ग जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सैफ और राधिका आप्टे की मुलाकात और उनकी शादी को लेकर, वो थोड़ा जरूरी समझ सकते हैं, पर अल्कोहल या जैसे सॉन्ग की कोई भी आवश्यकता नहीं। और लास्ट का जो एक्शन सीन भाई, आपको ऐसा मजा नहीं आएगा इतना देखने में, पर खैर ठीक है, मैं उसमें 1 स्टार कट करने का सोच रहा था तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे इतना मजा नहीं आया। इसकी जो ओरिजिनल थी आर माधवन वाली, वो मैंने देखी नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। पर हाँ, ये वाली जो फिल्म है सैफ अली खान और ऋतिक, वो मैंने देखी है, पर उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा बहुत मजा आया। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाली ओरिजिनल देखी हुई है और उसके बाद आप देखने गए हो, तो आप क्या आप देखने गए हो, मजा आया कि नहीं आया, कृपया आप कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए यार इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।